Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well in your life. My name is Rishi Malik and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा एजेंट कमीशन के बारे में कि अगर आपने एक LIC पॉलिसी गारंटेड प्लान टर्म इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस या यूलिप प्लान लिया हुआ है तो उस केस में आपका कितना एजेंट कमीशन जाता है ऑफलाइन मोड पर अगर आपने किसी एजेंट से वो पॉलिसी परचेज किया है। एड विद दैट आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि जो एजेंट आपको बोल रहे हैं कि ये पॉलिसी के अंदर आपको प्रीमियम जो है वो पहले ईयर ईयरली ही पे करना पड़ेगा उसको आप मंथली कैसे परचेज कर सकते हैं विदाउट paying any single amount as a agent commission. तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो एजेंट कमीशन चेक करने के लिए आपको गूगल पे सिर्फ टाइप करना है एजेंट कमीशन इन इंश्योरेंस। जैसे ही आप ये मेंशन करते हैं तो जागो इन्वेस्टर का एक लिंक आपकी स्क्रीन पे पॉपअप होगा एजेंट कमीशन इन इंश्योरेंस पॉलिसीज जागो इन्वेस्टर। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक आर्टिकल ओपन होके आ जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रोल डाउन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर पॉलिसी टाइप प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ लिखा हुआ है एंड उसी के साथ साथ एजेंट कमीशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के अकॉर्डिंग कितनी लगती है वो भी बताया गया है। अगर आपका एंडोमेंट पॉलिसी है या टर्म प्लान है या मनी बैक प्लान है या यूलिप पॉलिसी है तो उस केस में अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म पैसा पे करने की अवधि जो है वो 15 साल है और उससे अबव है तो पहले साल 25-35% आपका एजेंट कमीशन जाएगा, सेकेंड ईयर 7.5% एंड थर्ड ईयर 5% तक आपका एजेंट कमीशन चला जाएगा आपके टोटल प्रीमियम अमाउंट के अकॉर्डिंग जो आप पे कर रहे हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा। आप में से कोई इन्वेस्टर ने एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया 20 साल के लिए 1,00,000 रुपये के प्रीमियम के अकॉर्डिंग, पहले साल उस इन्वेस्टर का 35,000 रुपये एज अ एजेंट कमीशन चला गया, सेकेंड ईयर 15,000 रुपये, फोर्थ टू 20th ईयर 85,000 रुपीज़। अगर हम टोटल कैलकुलेशन देखते हैं तो 135,000 रुपये आपने पे कर दिए एज अ एजेंट कमीशन 20,00,000 रुपये की टोटल अमाउंट में से। अब जो आपको रिटर्न आ रहा है वो टोटल रिटर्न जो है वो आ रहा है 18,65,000 रुपये के ऊपर। तो इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने 20,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं बट एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 18,65,000 रुपये की हुई है अगर आप एक ऑफलाइन पॉलिसी लेते हैं किसी एजेंट के थ्रू। तो जैसे अभी आप सभी ने देखा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो यूलिप पॉलिसी गारंटेड प्लान एंडोमेंट पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस के अंदर तो उस केस में कितना ज़्यादा एजेंट कमीशन आप पे कर देते हो अगर आप एक पॉलिसी ऑफलाइन मोड पर किसी एजेंट से लेते हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। सिंपल सा सॉल्यूशन है आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना पॉलिसी जो है वो परचेज कर सकते हो और अगर आपको एजेंट बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर ईयरली प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा पहले साल तो उसको बोलो तो कंपनी मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली का ऑप्शन क्यों दे रही है नेट बैंकिंग के ऊपर अगर आप मुझे ईयरली ही पे करने के लिए गाइड कर रहे हो। और वो गाइड इसीलिए ही कर रहा है क्योंकि वो आपसे एजेंट कमीशन लेना चाह रहा है। तो आप सतर्क रहो क्योंकि ये जो है ना एक्टिविटी वो बहुत बारी रिपीट करी जाती है सीनियर सिटीजन्स के साथ क्योंकि उनके अकाउंट्स के अंदर 50-25 लाख रुपए तक की FD होती है 20 लाख रुपए तक की FD होती है और वो ये सोच रहे होते हैं कि इस FD को तोड़कर दूसरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा जिससे मुझे रिटर्न आएगा बट एक्चुअल में वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं किसी एजेंट की हेल्प लेके क्योंकि उनको नेट बैंकिंग नहीं चलानी आ रही होती है मोबाइल बैंकिंग उन्होंने कभी एक्सेस नहीं करी है चेक के थ्रू जैसे वो पहले काम करते थे अभी भी बैंक के साथ काम करते हैं इसीलिए ये हो जाता है। तो इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ कि जिससे आप भी अवेयर रहो और नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट करो नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिस भी कंपनी से म्यूचुअल फंड परचेज करना है यूलिप प्लान परचेज करना है उनकी वेबसाइट पे जाओ वेबसाइट पे जाकर परचेज कर लो डायरेक्टली पेमेंट करो उनके गेटवे के ऊपर आपको ईमेल के ऊपर रिसीट आ जाएगी विद दैट पॉलिसी पेपर जो है विद इन 3-7 working days में आपको मिल जाएंगे। इनकेस नहीं मिलते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है आप उनकी मेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हो नहीं तो टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल करके उनसे मांग सकते हो क्योंकि हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलता है बट बेफिजूल के अपनी हार्ड एंड मनी जो है ना वो किसी को मत दो। बहुत बारी देखता हूं इसीलिए ही आज मन किया कि आज संडे है वीडियो बनाते हैं और आपको और भी अवेयर करते हैं इसके रिगार्डिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना
प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे दोस्तों।